नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सब्यसाची और आप देख रहे हैं हैप्पी फिल्म्स एंड नेचर। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे इस प्रोडक्ट को लेकर, मिस्टर ब्लू। ये दरअसल मिथाइल ब्लू है फंगस इन्फेक्शन के लिए। ये यूजुअली एक्वेरियम के शॉप में बहुत ज्यादा इसको प्रमोट किया जाता है। तो ये एक ऐसा चीज है जो अच्छा भी है और बुरा भी है। तो आज हम इसको डीपली जानेंगे, इसका पूरा इसका एनालिसिस करेंगे कि क्या है, नहीं है, क्या आपको ये बाकी में यूज करना चाहिए, क्या ये एक्वेरियम सेफ है। तो इसी बारे में आज हम लोग बात करेंगे। तो विदाउट फर्दर डिलेज, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो दोस्तों, प्रोडक्ट का नाम है मिथाइल ब्लू या मिस्टर ब्लू इसको कहा जाता है। काफी सारे एक्वेरियम दुकान पे आपको ये ब्लू मेडिसिन के नाम पे भी मिल जाएगा। कोई कोई दुकान पे जनरल एड किट जो आता है, जनरल एड के साथ ये कॉम्बिनेशन पे आता है मिथाइल ब्लू दरअसल। और ऑलमोस्ट मैंने जहां तक देखा है 80% जो एक्वेरियम का दुकान है, एक्वेरियम के दुकान वाले इसको सेल करते हैं वाटर क्लियर रखने के लिए। लोग बोलते हैं जब आप वाटर चेंज कीजिएगा तो ये दवाई जो है, ये दवाई 2 ड्रॉप 3 ड्रॉप डाल दीजिएगा और कुछ ही दिनों में देखिएगा कि आपका वाटर पूरा क्लीन रहेगा। ये बात दरअसल यहाँ पे कई सारे मीथ्स हैं, कई सारे रॉन्ग इन्फॉर्मेशन है जो कि सही नहीं है। पहला बात, ये जो मिथाइल ब्लू है ये दरअसल एक डाई है दोस्तों। जैसे आप लोग कपड़े में ब्लू देते हैं, कपड़े में उजाला वगैरह देते हैं, सिमिलरली ये एक डाई है। एक डाई के अलावा ये कुछ नहीं है, ठीक है। अब क्या ये वाकई में मेडिसिन के तौर पे काम कर सकता है, क्या इसका कोई मेडिसिनल बेनिफिट है? जी हाँ, इसके बारे में मैं बात करूंगा, बट उससे पहले मैं आप लोगों को ये बता दूं। तो दोस्तों, बस दुकानदार ने कहा है आपको यूज करने के लिए ये, क्योंकि आपका पानी क्लियर रहेगा, आप इसको यूज कर रहे हैं, दैट्स अ रॉन्ग थिंग टू डू, नेवर डू दैट। पहला बात तो ये जो दवाई है दोस्तों, ये दवाई फिश के लिए सेफ नहीं है। फिश को काफ़ी सारे डिफरेंट तरह का डिसीज इससे आ सकता है, इससे प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकता है। लेकिन ये दवाई फिर एक्वेरियम में मेडिसिन के तौर पे क्यों बेचा जाता है, क्यों लोग बोलते हैं कि इसको आप यू नो यूज़ कर सकते हैं? यहाँ तक कि आप अगर देखेंगे इंटरनेट पे भी आपको काफ़ी सारे इन्फॉर्मेशन मिलेगा जहाँ पे लोग आपको सजेस्ट करेंगे ये दवाई देने के लिए। बट दोस्तों, एक चीज़ बता देता हूँ, अगर आप ये मिस्टर ब्लू या फिर जो ब्लू मेडिसिन है, ब्लू मेडिसिन को यूज कर रहे हैं, तो सिर्फ और सिर्फ एंटी फंगल का जो इसका क्राइटेरिया है, जो इसका फीचर है, उस फीचर को यूज कीजिए, एंटी फंगल। अब एंटी फंगल में फिश से ज्यादा जरूरी हो जाता है आपका, जब आप कोई भी फिश का फ्राई उठाने का कोशिश कर रहे हैं, मतलब कि बेबीज को ब्रीडिंग करने का कोशिश कर रहे हैं। तो जैसे कि आप जानते हैं, यूजुअली फिश जो होता है, एक गप्पीज या लाइव बेयरर्स छोड़ के ज्यादातर फिश क्या होता है, एग्स ले करते हैं। तो जैसे कि एंजल्स एग्स ले करते हैं, अब एंजल्स अगर एग्स ले करते हैं या फिर डिस्कस एग्स ले करते हैं या फिर दूसरा कोई फिश अगर एग्स ले करते हैं, तो चांसेस ये रहता है अगर आपका एक्वेरियम में इनफ ऑक्सीजन का सर्कुलेशन नहीं रहेगा या फिर एग्स के ऊपर इनफ वाटर फ्लो का कंडीशन नहीं रहेगा, तो उस मामले में आपका जो एग्स है, एग्स को जो फंगस है, फंगस आ सकता है। तो उस मामले में ये दवाई बहुत बढ़िया काम करता है दोस्तों। ये दवाई इतना अच्छा काम करता है उसमें कि मतलब इसका कंपैरिजन में कोई और दवाई नहीं है, एक H2O2 छोड़ के। बट H2O2 का प्रॉब्लम यह है, हाइड्रोजन परऑक्साइड मैं बोल रहा हूँ, हाइड्रोजन परऑक्साइड का प्रॉब्लम यह है दोस्तों कि हाइड्रोजन परऑक्साइड बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, तो 12 घंटा बाद वो क्या होता है, निकल जाता है पानी से। तो दोबारा आपको हर 12 घंटे में 2-3 बार, आपको 2-3 दिन में आपको डोज करना पड़ता है, जब तक कि आपका जो एग है, एग हैच ना हो जाए या फिर एग से विगलर्स बाहर ना निकल जाए, तो तब तक आपको ये हाइड्रोजन परऑक्साइड बार बार डोज करने का ज़रूरत पड़ता है। हालांकि ये जो चीज़ है, ये चीज़ एक बार डोज करने से इनफ है, इससे और कुछ नहीं चाहिए आपको। एक बार डोज कर दीजिए, आप बीच में एक दिन छोड़ के दूसरा दिन पानी चेंज कर दीजिए, 50% वाटर चेंज कर दीजिए और ये दवाई डालने का ज़रूरत नहीं है, तो एग्स बिल्कुल सही रहते हैं जहाँ तक मैंने देखा है। तो ये एक मामले में आप ये दवाई को यूज़ कर सकते हैं। दूसरा, आप अगर चाहे तो ये दवाई को आप, जैसे कि मैं कह रहा था, वेलवेट डिसीज़ हो या फिर एक डिसीज़ हो या फिर गिल फ्लुक्स हो, तो इस मामले में भी आप इस दवाई को यूज़ कर सकते हैं। बट वहाँ पे
आप डायरेक्टली जिस तरह से मैं एग्स को इसमें डिप करके रखूंगा वैसा नहीं कर सकते हैं ट्रीटमेंट। उसमें आपको क्या है, मैक्सिमम आप जो यूज कर सकते हैं 50 मिलीग्राम्स पर लीटर के हिसाब से आप पानी में मिक्स करेंगे। मिक्स करके आप उसको फिश को मैक्सिमम मैं कह रहा हूँ 10 मिनट के लिए छोड़ सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं। अगर 10 मिनट के अंदर आपको दिखे कि फिश कोई भी अननेचुरल मूवमेंट दिखा रहा है या फिर अननेचुरली अनबैलेंस्ड स्विम कर रहा है या फिर उल्टा पुल्टा स्विम कर रहा है या फिर देख के लग रहा है कि मर गया हो, ऐसा कुछ हुआ है, तो इमीडिएटली फिश को उठा के जो मेन टैंक है मेन टैंक में आप डाल दीजिए। दूसरा चीज़, ये दवाई को मेन टैंक में कभी भी मत डालिए। आपका वाटर ऐसे ही क्रिस्टल क्लियर रहेगा अगर आप फिल्ट्रेशन सही कर रहे हैं। कैसे आपको क्रिस्टल क्लियर वाटर रखना है उसके ऊपर भी मैंने वीडियो बना के रखा है, आप ज़रूर देख लीजिए। वीडियो डिस्क्रिप्शन पे आपको ये लिंक मिल जाएगा, इसको अगर आप ऐड करेंगे तो आपका वाटर क्रिस्टल क्लियर रहेगा। ये दरअसल एक गलत बात है दोस्तों, ये एक मीथ है। ऐसा कोई चीज़ नहीं है कि ये दवाई डालने से आपका वाटर क्लीन हो जाता है। अगर आपका फिल्ट्रेशन सही है, अगर आपका फिश लोड सही है, अगर आप खाना ठीक तरह से डाल रहे हैं, तो ये सारे चीज़ अगर आप ठीक रख रहे हैं तो उस मामले में आप लोगों को वाटर क्लियर रखने के लिए कोई चिंता नहीं करना है, वाटर क्लियर ऑटोमेटिकली रहेगा। अगर आप लोगों को उसके बारे में वीडियो देखना है तो ऑलरेडी हम लोगों ने वीडियो बनाया है, मैंने खुद वीडियो बनाया है उसके ऊपर, जो एक्वा माइंड्स का हम लोगों का सीरीज़ है उस सीरीज़ में भी हम लोगों ने वीडियो बनाया है जहाँ पर हम तीनों लोगों मिलकर एक्सप्लेन कर रहे थे कि किस तरह से वाटर को क्रिस्टल क्लियर रखा जाए। तो वो सारे वीडियोस आप देख सकते हैं, वहाँ पे आप लोगों को पता चल जाएगा कि वाटर क्रिस्टल क्लियर कैसे रखा जाता है। अब ये दवाई मैं क्यों मना कर रहा हूँ आपका पूरा वेल एस्टैब्लिश टैंक में डालने के लिए, मेन टैंक में डालने के लिए, क्योंकि ये दवाई अगर आप मेन टैंक में डालेंगे तो पूरा चांसेस है कि आपका जो बैक्टीरियल कॉलोनी है, आपका जो अच्छा वाला गुड बैक्टीरिया जो है, जो आपको आपके फिश को ज़िंदा रखता है, वो बैक्टीरिया हैम्पर्ड होगा, वो बैक्टीरिया जाके कहीं ना कहीं पर मर जाएगा। और वो बैक्टीरिया मर गया तो आपका टैंक का जो साइक्लिंग है, साइक्लिंग पूरा ख़राब हो जाएगा, फिर से नया तरह से आपको साइक्लिंग करना पड़ेगा। ये क्या पहला बात। दूसरा बात, ये दवाई को अगर आप मेन टैंक में डालेंगे दोस्तों तो आपका ये सिलिकॉन सील जो होता है साइड में, ये सिलिकॉन सील से लेके आपका जो भी डेकोरेटिव आइटम्स है, सारे डेकोरेटिव आइटम्स में ये ब्लू जो स्टेन है, ये ब्लू स्टेन बैठ जाएगा और ये एक परमानेंट स्टेन है, तो इसको आप हटा नहीं सकते हैं। तीसरा, हालांकि इसको कहा जाता है कि ये ऑक्सीजन बढ़ाता है, बट दोस्तों ऐसा नहीं है। पोटासियम परमैंगनेट या फिर ये वाला जो मिथाइल ब्लू है, ये अगर आप ऐड करेंगे अपना एक्वेरियम में, पोटासियम परमैंगनेट तो डेफिनेटली ऑक्सीजन बहुत कम कर देता है आपका एक्वेरियम में, ये उतना कम नहीं करता है, बट एज अ एंटी फंगस एजेंट ही आप इसको यूज़ करेंगे तो सही है। अगर आप इसको दूसरा कोई फिश ट्रीटमेंट वगैरह के लिए यूज़ कर रहे हैं तो जैसे मैंने कहा, आप फिश को बाथ दे सकते हैं। इसके जो इसमें इसका जो सोल्यूशन होगा, इस सोल्यूशन में आप फिश को मैक्सिमम 10 मिनट के लिए एक बार डुबो के फिर दोबारा अपना मेन टैंक में या फिर जो भी क्वारंटीन टैंक है क्वारंटीन टैंक में छोड़ सकते हैं। तो ये है दोस्तों इसका असली बात होगा। एनीवेज, जो मेरा एक्सपीरियंस है मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया, शायद आप लोगों का एक्सपीरियंस थोड़ा अलग हो मेरे से, तो अगर ऐसा कुछ है तो प्लीज़ नीचे कमेंट कीजिएगा। अगर वीडियोस को अच्छा लग रहा है तो वीडियोस को लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्त और फैमिली मेम्बर्स के साथ। उसी के साथ मेरे चैनल पे ये नया वीडियो देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, तो बाजू में रखा हुआ बेल आइकन को ज़रूर क्लिक कर दीजिए ताकि जब भी मैं इस तरह का इन्फॉर्मेटिव वीडियो रिलीज़ करूँ तो सबसे पहले आप लोगों को नोटिफिकेशन मिले। तो आज इतना देर मेरे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, बहुत जल्दी मिलते हैं और एक नया एक्साइटिंग वीडियो लेके, तब तक के लिए बाय बाय।